हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ़ और सिर्फ बात करने वाले हैं पाई नेटवर्क के बारे में। तो पहले तो उन दोस्तों को मैं ताज़ियत ताज़ियत बोलते हैं क्या बोलते हैं वही बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों ने जो है काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ था पाई नेटवर्क के ऊपर या फिर पाई क्वाइंस के ऊपर। पाकिस्तान में आप लोगों को पता ही तो है, जो ही ट्रेंड चलता है लोग उसके पीछे भागे चलते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग जो है आने वाले ऐसे प्रोजेक्ट से थोड़ा दूर रहें और हमारे वीडियोस देखते रहें। और क्या, ठीक है ना? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल ऑप्शन को ऑल पर कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो यहाँ पर अगर मैं पाई नेटवर्क की बात करूँ तो पाई नेटवर्क की कुछ दिन पहले प्राइस थी तकरीबन तकरीबन $40, ठीक है ना? $40 से लेकर अब तक आप देखें एक दिन के अंदर अंदर 19.12% तक इसकी प्राइस गिर चुकी है। अगर मैं लास्ट 7 डेज़ की बात करूँ तो आप इसकी प्राइस में देखें $40 प्राइस थी। जैसे ही $40 थी तो उसके बाद एक साथ, मतलब 4 अप्रैल को एकदम धड़ल से नीचे गिरी है, ठीक है ना? आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको शो हो रहा होगा, ठीक है ना? मैं यहाँ पर चार्ट को थोड़ा दूसरे वे में आपको दिखा दूँ। ये देखें, पहले देखें कितनी प्राइस थी, अब देखें कितनी प्राइस हो चुकी है। 2.29 प्राइस है 40 से 2.29 तक पहुँच चुकी है। आप यहां पर इसका मार्केट कैप देखना चाहें तो मार्केट कैप देख सकते हैं। मार्केट कैप देखें 0.00% प्लस तक ऊपर हुआ है और 19 बिलियंस डॉलर का मार्केट कैप था इसका। और वैल्यूम देखें 24 घंटे का, तो आपको यहां पर 24 घंटे का वैल्यूम मिल जाएगा 1,65,893। और आप देखें कितना इसका वैल्यूम गिर रहा है, अभी 27.13 तक, मतलब ये गिर चुका है। और अगर आप मार्केट कैप के साथ यहाँ पर एक छोटा सा नोटिस देखें तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्वाइन मार्केट कैप हैज़ नॉट वेरीफाइड द प्रोजेक्ट्स मार्केट कैप, ठीक है ना? तो क्वाइन मार्केट कैप की तरफ से ये प्रोजेक्ट बिल्कुल भी वेरीफाइड नहीं है, ठीक है ना? आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या तो आप पी टू पी अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या फिर आप किसी लोकल बंदे से परचेज़ करके अपने वॉलेट में रख रहे हैं जो आपको बता रहा है कि इसकी वैल्यू कितने तक जाएगी और ये कितना जो है हाइप तक जाएगा, ठीक है ना? तो वो बंदा आप लोगों के साथ झूठ बोल रहा है, ठीक है? आप उससे बिल्कुल भी ना लें। आप अपनी मार्केट रिसर्च के ऊपर जो चीज़ परचेज़ करना चाहें परचेज़ कर सकते हैं, आप अपने ही रिस्क के ऊपर करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका लॉस होगा अगर आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं तो आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर इतनी ज़्यादा इशू नहीं होगा, ठीक है ना? तो यही मैं आप लोगों के साथ समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसे प्रोजेक्ट से थोड़ा दूर रहा करें और मेक श्योर कि आप लोगों का जो टाइम है वो मैंने इतना ज़्यादा वेस्ट नहीं हो किया होगा। आप लोगों को जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। तो आप 7 दिन के अंदर अंदर देखें, 7 दिन का अगर यहाँ पर मैंने एनालिटिक्स खोला हुआ है तो ये देखें 99.30% गिर गया है 7 दिन के अंदर अंदर। आज 6 तारीख है, ठीक है ना? 2 दिन के अंदर अंदर यूँ समझ लें, क्योंकि 4 तारीख को एक साथ ही इसकी प्राइस गिरी थी, ठीक है ना? तो मेक श्योर आप लोग ने इन चीज़ों से दूर रहना है। और मुझे दीजिए इजाज़त, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल ऑप्शन को ऑल पर कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, ठीक है ना? मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसका कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जायज़ा ले सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।